आठ स्टर्ट रिएक्शन में एक कार्बोक्सिलिक एसिड को SOCl2 CH2N2 देते हैं CH2-N2+, जिससे वो क्या बन जाता है, उसका अपग्रेडेशन हो जाता है और एक कार्बन की संख्या बढ़ जाती है। होता कैसे है आठ स्टर्ट रिएक्शन, SOCl2 सबसे पहले जैसे हमने दिया तो ये कौन सा रिएक्शन कहला, ये कहला SNI। इसके इफेक्ट से क्या हुआ, जो OH था वो OH हट के Cl लग गया। अगले स्टेप में हमने क्या दिया, CH2N2 दिया, तो CH2- है N2+ है, ये CH2 ने अटैक किया, Cl बाहर निकल गया, आपके पास आ गया RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या आ गया CH2 और ये N2+। और जब ये आ गया तो हमने क्या किया कि हमने जो Cl- निकाला था उस Cl- को यूज करके हमने इस एसिडिक हाइड्रोजन का H+ निकाल लिया, यानी H+ निकाल लिया। जैसे निकाला तो आपके पास क्या हुआ, RC डबल बॉन्ड O CH- और यहाँ क्या हुआ N2+। और अब क्या करेगा, ये यहाँ आएगा ताकि ये गोल घूम के यहाँ जा सके और इसको यहाँ से निकाल सके। अब इसके रिजल्ट में क्या हुआ, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH और यहाँ R और N2 निकल चुका है। और अब जैसे आप इसको H3O+ दे देंगे बच्चे लोग, तो H3O+ देने पे हाइड्रोलाइज हो जाएगा और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O OH और यहाँ CH2 और ये R। जरा देखिए, तो यही तो है।